हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो रेलवे एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का सब नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अभी आरटीआई से पता चल गया है कि जल्द ही मतलब जून तक या कुछ है ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, कन्फर्म हो गया है वैकेंसी, इसलिए तैयारी में आप लोग एकदम लग जाइए एकदम बेस्ट तरीके से। तो हम यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रेशन प्रोपोर्शन टॉपिक को लेकर के। यूथ पब्लिकेशन का जो रेलवे का जो बुक है मैथ्स का, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे आगे। तो आज नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पहुँच गए हैं रेशन टॉपिक प्रोपोर्शन को लेकर के। तो वीडियो में बने रहिए और सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो बिना देरी को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ और रेलवे जितना भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए। ठीक है, तो इस बुक के सॉल्यूशन में हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हो जाकर चैनल पर देखिए और खुद महसूस कीजिए कैसा सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देर के हुए। रेशन प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हम लोग हर एक टाइप क्लियर करेंगे इसलिए वीडियो में बने रहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि एक रुपये की धनराशि को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच धनात्मक अंतर 5940 रुपीज है तो एक्स का मान कितना होगा? यही क्वेश्चन है। सवाल है टोटल कितना पैसा है, टोटल पैसा एक्स रुपया है। ठीक है, इसको तीन आदमी बांटना है, तीन बंदा है, कौन सा? ए बी और सी। इसका रेशियो कितना दिया गया है भाई? इसका रेशियो है आपका तीन बंदे हैं, कितना आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका जो रेशियो है कितना 2:3:5 है। ठीक है, और बोला कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है? अच्छा, बी यहाँ पे कितना है 3, 80 का कितना है 5 है, तो 3 में से 5 जाएगा 2, मतलब 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी? 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 594 रुपीज़ है। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5940 / 2। इसलिए पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स क्या है टोटल वैल्यू, तो 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, 10 का वैल्यू पूछ रहा है। है जी क्वेश्चन, 2 × 5 = 10, इसको गिनना कीजिए, 0, 5 × 20 = 0 हाथ में रहा 2, 9 × 5 = 45 और 2 × 47 = 4, 5 × 25 = 4, 29। तो कितना हो जाएगा टोटल पैसा? 29,700 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, एनटीपीसी का आया क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, एक बार और इसको समझ लीजिए। अच्छा, एबीसी का रेशियो क्या है भाई? 2:3:5 है। अच्छा, बी और सी का अंतर मतलब 3 में से 5 गया 2, 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 5940, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा उतना बटा 2, इसलिए टोटल वैल्यू पूछ रहा है, 5 × 3 = 8 × 2 = 10 का वैल्यू बता दीजिए। है क्लियर भाई पहला क्वेश्चन? समझ में आ गया मस्त तरीके से? आगे बढ़ते हैं फटाफट। इस चैनल पर हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट सीरीज करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपके तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है भाई, क्योंकि हम लोग बहुत एफर्ट लगता है पूरा बुक सॉल्यूशन करवाने में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप कहीं से भी सॉल्यूशन मिला सकते हैं, पेड कोर्स से भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशियो बी कितना दिया गया है जी? ए रेशियो जो बी है क्वेश्चन, ये कितना 2:3, ठीक है, और बी रेशियो जो सी दिया गया है वो कितना है 3:4, ठीक है, 3:4। तो पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बता दीजिए। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए बी कितना है, अच्छा 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो बराबर हो गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, तो कुछ करना ही नहीं, अगर बराबर नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, बराबर करते, तो 2, 3, 4 ऐसे ही हो गया डायरेक्ट, देखो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 4800 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 के बराबर है तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, इसको हम लोग उड़ाएंगे कैसे, देखिए टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा जो है कितना अपने पास, ये है आपका 4800 रुपया। ठीक है, टोटल पैसा आपका 4800, दो डाटा पहले उसको लिख लेते हैं,
अच्छा ए का हिस्सा बटा बी प्लस सी का हिस्सा। अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ए बटा बी प्लस सी का जो रेशियो है कितना है, ये जो दिया गया आपका कितना भाई, यह 3:5 है, ठीक है 3:5। और बी से ये किसका है, सी को, अच्छा सी को ए प्लस बी से, अच्छा यहाँ पे सी है तो सी को ए प्लस बी से कितना है रेशियो दिया गया है, ये आपका है 5/7 के बराबर है, ठीक है। तो ए माइनस बी पूछ रहा ए है, पूछ क्या रहा है ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल पैसा कितना है, ए बी सी के पास टोटल पैसा कितना है, 4800 रुपया है, ठीक है। इसको तीन आदमी बांटना है, ए बी सी को इस प्रकार बांटना है कि ए का हिस्सा तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, मतलब ए बटा बी प्लस सी कितना है 3:5, सी का ए प्लस बी से रेशियो कितना है 5:7। तो पूछ रहा है ए माइनस बी का हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। अच्छा सिंपल सा यहाँ यहाँ पर क्या है, इसको बराबर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना 3 × 5 = 8 यूनिट, यहाँ पर कितना है 7 × 5 = 12 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यूनिट है, यहाँ पे 12 यूनिट है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, जब एक ही पैसा है तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 8 × 12 कैल्शियम कितना होता है 24। तो यहाँ पे 5 × 3 = 8 है, यहाँ पे 7 × 12 है, तो 8 को कितना से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 3 से करेंगे, तो ऊपर नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको 12 है तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। तो कितना रेशियो आ गया जी यहाँ पे, इसको हटाइए अभी, हमको ए माइनस बी ने पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ये कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, ये कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, मतलब यहाँ पे अलग अलग थोड़ा रहेगा, क्योंकि एक ही तीन आदमी को देना है पैसा 4800 रुपया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 8 × 12 कैल्शियम क्या होता है 24, तो ऊपर में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में करेंगे कितना से 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर है भाई। अब यहाँ देखिए, अब सबका रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो मेरा काम करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ए का वैल्यू कितना है भाई 9, और टोटल वैल्यू कितना मेरे पास आया था, एलसीएम कितना था 24, तो 24 में से ए का वैल्यू 9 आ गया और सी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो 9 × 10 = 19, और कितना आया था मेरा 24 ना एलसीएम, तो 19 × 5 = 24 निकल गया तीनों का रेशियो, ए बी सी का रेशियो निकल गया 9:5:10, ठीक है। टोटल 24 है, तो ए का वैल्यू अगर ए का 9 पार्ट मिल रहा है और सी को मिल रहा है 10 पार्ट, तो बी को कितना मिल जाएगा 10 × 9 = 19 × 5 = 24। बस इतना ही समझना था, उसके बाद क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब किस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, किसका वैल्यू बता रहा है, ए और बी के हिस्से का अंतर, मतलब अच्छा मतलब 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 × 5 = 14 × 14 = 10 = 24, 24 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना भाई 4800 रुपया है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 24 × 48 = 200, इसलिए किसका वैल्यू 4 का वैल्यू, तो 800 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, मेरा ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया, करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए एनटीपीसी का सवाल है भाई, सबसे पहले तीनों का ले लेते हैं रेशियो। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ए का तो ए से बी का रेशियो क्या हो जाएगा 15% अधिक का मतलब क्या होता है 115/100 हो जाएगा, ठीक है। ए की आय बी की आय से कितना है 15% अधिक, मतलब ए का 115 तो बी का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से, तो 5 × 10 = 1 कितना हो जाएगा जी 23, ये हो जाएगा 20, 23 × 20 आ गया ए का वैल्यू। अच्छा सेकंड में क्या बता रहा है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। अच्छा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो अगर 100 मानते हैं सी का और बी का कम है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, मैंने 20 × 80 = 20/100, 4:5, ठीक है। तो पूछ रहा है ए बी सी का हमको अनुपात बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 20 है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 5 से गुना कर देते हैं, तो 4×5 = 20 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लें रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये हो जाएगा आपका 23
रेशियो 20 रेशियो 25 25 हो गया, 23 20 25 निकल गया तीनों का रेशियो, ए पूछ रहा था। ऑप्शन कौन सा होगा मेरा 23 20 25, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है था आपको, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है और का रेलवे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीट 7:8:9 के अनुपात में है, सीटों को क्रमशः 30% 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो बड़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो था मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना था, मैथ हो गया यहाँ पे, फिजिक्स हो गया, इसको केमिस्ट्री हो गया, इसका रेशियो कितना कितना दिया गया है, ये आपका 7:8:9। ठीक है, अब बोला कि इसमें सीट बढ़ गया, कितना कितना सीट बढ़ाया है, मैथ में बढ़ाया 30%, अच्छा इसमें बढ़ा दिया है कितना भाई, 30% बढ़ा दिया है। ठीक है, और फिजिक्स में कितना बढ़ाया है, ये बढ़ाया आपका 40%, ये बढ़ाया आपका 40%। ठीक है, और इसमें कितना बढ़ाया है, इसमें आपका बढ़ा दिया है 50%, यही है ना। तो पूछ रहा है कि इसका हमको रेशियो बढ़ा दीजिए, बढ़ा हुआ सीट का अनुपात। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको हमको रेशियो में इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 7:8:9 को इसको मान ले, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी होगा, तो इसको मान लेते हैं 700, एक डबल जीरो बिठा दीजिए, ये हो जाएगा 700, इसको मान लेते हैं 800, इसको मान लेते हैं 900। ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अच्छा, 700 का 30% से बढ़ा तो कितना हो जाएगा जी, 700 × 130/100 कर दें। ठीक है, तो डबल जीरो कट गया, कितना 6391, यहाँ पर कितना आ जाएगा 910। उसी तरीके से 800 का 140% तो कितना हो जाएगा, 14×72 होता है तो इतना 112 हो जाएगा। ठीक, और 900 का 150% मैंने 900 × 3/2 तो कितना हो जाएगा, 1535 हो जाएगा आपका 1350, यही ना हो जाएगा। तो एक रेशियो 1010 कट गया रेशियो, तो कितना आ जाएगा 91 रेशियो 112 रेशियो 135। क्लियर है। अच्छा, कुछ इसमें कट रहा है क्या, 13 से कट जाएगा, अच्छा 13 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा। ठीक, तो 91 रेशियो कितना रहा, 91 रेशियो 112 रेशियो 135, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। बस इतना ही करना था, इसको क्या करना है, 7:8:9 रेशियो दिया गया, तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 700 800 और 900 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ें फटाफट, लग रहा क्वेश्चन जी रेशन प्रोपोर्शन का इजी क्वेश्चन है सब। देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स का 15% वाई का 25% बराबर जेड का 50% है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या है भाई क्वेश्चन, एक्स का 15% बराबर वाई का ये कितना है 25% बराबर जेड का कितना है 50% है। ठीक है, अच्छा रेशियो में क्या है, इसका निकालना हम क्या निकालना, रेशियो निकालना है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, यही है ना। अच्छा, सिंपल सा परसेंट परसेंट तो क्या हो जाएगा, वो सब अपने आप कट जाएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसको लिख ले डायरेक्ट, परसेंट परसेंट क्या हो जाएगा, सब रेशियो में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे 15x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 50z हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि 15, 25 और 50 क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एक मिनट, 15, 25, 50, 50 का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हमको निकालना क्या, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये निकालना है, तो 15, 25 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 × 100 150 × 150 हो जाएगा एलसीएम, तो इसका 150 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 15 × 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25×6 150 और 50×150, तो कितना रेशियो हो जाएगा जी, इसका रेशियो 10:6:3, ये आपका ट्रिक होता है। ठीक है, तो 10:6:3 ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, इसको डिवाइड करेंगे 15 × 150, 25 × 150 और 50 × 150, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना गया 10:6:3, सबसे एकदम बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, एकदम बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, क्या है कि a का 1/3 मतलब a/3 है
बराबर बी का एक बटा चार बराबर सी का एक बटा छः, तो पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान भी ज्ञात करना है, यही है ना। तो कुछ नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन को, क्या करना है कि तीन चार छः का लेना है एलसीएम, ठीक है। तो तीन चार छः का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पढ़ यहाँ लेना पड़ेगा कितना, तीन चार थ्री फोर सिक्स का एलसीएम क्या होता है जी, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका बारह। तो तीन चौ का बारह, यहाँ पे मान लेते हैं ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीन चौ का बारह चरती है बारह छः दूनी बारह, तो कितना आंसर आ गया, फोर रेशियो थ्री रेशियो टू है क्वेश्चन जी। खाली बस इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है और डायरेक्ट हमको बना लेना है, के मान के ही बनता है लेकिन उससे लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी दिया गया है थ्री रेशियो, अच्छा ए से बी का रेशियो कितना है, ये आपका थ्री बाई टू रेशियो सात बटा तीन है, ठीक है। और बी से सी का रेशियो क्या है, बी से सी का जो रेशियो है वो क्या है, वन बाई फाइव रेशियो वन बाई सेवन, यही ना है। अच्छा तो पूछ रहा है कि ए बी सी का हमको रेशियो बता दीजिए, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी बता दीजिए, ठीक है। अच्छा ये आ गया फ्रैक्शन वाला आ गया, ठीक। तो फ्रैक्शन वाला आ गया तो क्या करेंगे, पहले जितना भी फ्रैक्शन वैक्शन दिख रहा है इसको सबसे पहले हम लोग हटाते हैं बटा उटा वाला। अच्छा दो तीन का एलसीएम कितना होता है, छः, तो क्या करेंगे पूरा में छः से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि हमको नीचे वाला बटा हट जाएगा क्योंकि बटा टेंशन देगा ना। अच्छा तो द्वितीय छः तीन तिहाई नौ रेशियो तीन दूनी छः सात दूनी चौदह, नौ रेशियो फोर्टीन निकल गया। अच्छा सात पाँच का एलसीएम क्या होता है, थर्टी फाइव, तो इसको थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, पाँच सत्तर पैंतीस और सात पच्चीस पैंतीस, सात रेशियो फाइव। अब ए बी और बी सी का रेशियो हमको निकल गया, अब क्या करना है कि ए यहाँ पे बी कितना है चौदह है, यहाँ पे बी कितना है सात है, तो अब क्या करेंगे इसको बराबर कर देंगे, तो कर दें दूसरे मल्टीप्लाई, दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा मेरा बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका नौ रेशियो चौदह रेशियो पाँच दूनी दस, तो नाइन रेशियो फोर्टीन रेशियो टेन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट सवाल है कि जर्मन सिल्वर के किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था, तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का अनुपात। अच्छा देखिए एक एलॉय है, एक मिक्सचर है, जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर का मिक्सचर है, उसमें क्या क्या है, तांबा से जस्ता मतलब कॉपर और जिंक का रेशियो दिया गया है, कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है जी, ये आपका दिया गया है 17:7 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और उसमें क्या दिया है, निकल से जस्ते का, अच्छा ये क्या है भाई, निकल से जस्ता का ये कितना है, ये दिया गया है 4:3 है, 4:3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तांबे से जस्ते, अच्छा कॉपर जिंक और पूछ कह रहा है कॉपर जिंक और निकल, यही है ना, कॉपर जिंक और निकल का अनुपात बताइए, इतना सा क्वेश्चन है। अब देखिए बस वही तरह क्वेश्चन है, खाली इसमें कॉपर जिंक कर दिया है। अच्छा यहाँ पे देखिए जिंक यहाँ पे कितना है जी, जिंक है सात, यहाँ पे जिंक कितना है तीन है, तो जिंक को करेंगे बराबर, तो क्या करेंगे इसमें कर देते हैं सात से गुना और इसमें कर देते हैं तीन से गुना, हो जाएगा बराबर जिंक जिंक, रेशियो में ही तो है बराबर करना है और क्या, रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, कॉपर का कितना हो जाएगा सतरतिया इक्यावन, अच्छा जिंक का कितना हो जाएगा सतिया इक्कीस, और निकल कितना हो जाएगा सचुका अट्ठाईस, तो इक्कीस इक्यावन रेशियो इक्कीस रेशियो अट्ठाईस मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, एलपी में आया हुआ क्वेश्चन था टेक्नीशियन में, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल का अनुपात 4:3:2 है, ठीक है। 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। अच्छा क्या क्या रेशियो है, पहले कॉपर जिंक और निकल है ना, ये क्या है कॉपर, यहाँ पर क्या है जिंक, यह निकल, इसका रेशियो दिया गया कितना, इसका रेशियो जो है 4:3:2 है, ठीक है। 54 किलोग्राम टोटल इसका वजन है, इसका टोटल कितना है जी 54 किग्रा दिया गया है, ठीक है। अच्छा
तो पूछ रहा है कि चरण क्रम के धातु में कितना किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात कितना हो जाए, 2:5:1 हो जाए। अच्छा, नया अनुपात कितना है, 2:5:1 हो जाए, यही है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें कॉपर कितना है, जिंक कितना है, निकल कितना है, ठीक है। तो हमको जोड़ना क्या है, जोड़ना है इसमें क्या है, जिंक जोड़ना है, जिंक जोड़ना है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, मतलब वो दोनों चेंज नहीं होगा, ये है ना। तो सिंपल से पहले क्या करते हैं इसको, अच्छा 4 3 7 7 2 9 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 54। तो 9 का अगर 54 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 6 54। तो इसलिए यहाँ कितना निकल जाएगा शुरू में, ये हो जाएगा आपका 6 4 24, 6 3 18 और 6 2 12, ठीक है। ये किसका कैसा निकला, इसका निकला कॉपर का, ये हो गया कॉपर, ये हो गया जिंक, ये क्या हो गया, निकिल हो गया। और नीचे रेशियो कितना है, 2:5:1, ठीक। तो कितना कोची जोड़ना है, कितना किलोग्राम जिंक जोड़ना है, जिंक, अच्छा मैंने कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि अगर जिंक जोड़ेंगे तो कॉपर और मेरा निकल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको बहुत बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इसका, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर जिसका कोई भी एलवाई में अगर कोई चीज़ हम जोड़ते हैं तो बाकी चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमको जिंक जोड़ रहे हैं तो कॉपर जिंक निकल क्या रहेगा मिक्सचर में, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब उसमें कुछ जोड़ेंगे तभी तो उसका परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा, या घटाएंगे तो निकालेंगे तब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 24 किलोग्राम, यहाँ पे 12 किलोग्राम है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको 12 से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा जी 12 2 24 आ जाएगा, 12 5 60 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कॉपर सेम हो गया, निकल सेम हो गया, तो कितना जोड़ा गया, 18 पहले था, अब हो गया कितना, 60। तो कितना जोड़ दिए, तो इस कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2, अब 5 में से गया 4, मतलब 42 kg हम जिंक को हमको जोड़ना पड़ा, ठीक है भाई। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन, एकदम बेस्ट अप्रोच है, बुक में बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन दिया हो रहा था इसका, ठीक है। चलिए एक बार और समझाते हैं, क्वेश्चन बहुत बेस्ट है और ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। पहले क्या बता रहा है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल का अनुपात कितना है, 4:3:2 है, और टोटल मिक्सर कितना है, 54 kg। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कॉपर कितना है, जिंक कितना है, निकल कितना है। तो 4 3 7 2 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 54। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, इसलिए 4 का वैल्यू 6 4 24, 6 3 18, 6 2 12, 24 kg, 18 kg, 12 kg। अब बता रहा है कि जिंक कितना जोड़ा जाए, तो हम मेरा कॉपर निकल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। तो यहाँ रेशियो कितना है, 2:5:1 है, तो हमको 24 लाने का करना पड़ेगा, 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 2 24, 12 का 12, दोनों हो गया बराबर ना। देखिए डाटा इस तरह से सेट है कि दोनों बराबर होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 12 2 24, 12 5 60, 12, पहले 18 kg था, अब कितना हो गया, 60 kg, तो कितना जोड़ना पड़ा, 42 kg। एकदम बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सोल्यूशन के साथ है, ठीक है, एकदम मस्त, मजा आ गया क्वेश्चन में, एकदम मजा आ जाना चाहिए। हैं वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन उसके लिए आप लोग संभालिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अभी पढ़ना है तो वीडियो तो लंबा जाएगा ही, क्योंकि इस टाइप का पूरा आप सोच रहे हैं खत्म कर ही दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 पॉजिटिव नंबर है, क्या क्या है, इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो है आपका 3:7:8 है, ठीक है। इसका वर्गों का योगफल, मतलब इसका स्क्वायर का सम, तो इसका इसका मान लेते हैं अगर 3x का होल स्क्वायर, नंबर क्या हो जाएगा, रेशियो है 3:7:8, तो 3x 7x और 8x हो जाएगा। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 8x का होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन में कितना दिया है वैल्यू, इसका दिया गया आपका 7808, इसका वैल्यू है क्या, 7808, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, अच्छा छोटी संख्या इसमें कौन है, 3, तो 3x का वैल्यू पूछ रहा है और क्या, तो पहले यहाँ से निकालते हैं x का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद हम लोग 3x का निकाल लेंगे, यही करना है ना। अच्छा अब चलिए, 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर 7808, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
इसको जोड़िए, 9 9 18 18 4 22 2, हाथ मेरा 2, तो 9 4 6 10 10 2 12, तो 122 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7808। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7808 / 122। ऐसे काटिए, काट शट करना है इसको, कितना कटेगा जी, ये कट जाएगा 4 से कटेगा क्या, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 6 12 और 2 का 2, ये कितना हो जाएगा 39 2 78 04। अच्छा सही है ना सब कुछ, 122 यहाँ आ रहा है, सही है। अच्छा इसको काटेंगे, ये कितना बार कटेगा, अगर 7 बार करते हैं 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करते हैं, 61 6 का कितना होता है, 6 का 6 6 6 36, तो 366, और उसके बाद 8 बार में कट जाएगा, 61 4 बार में 61 4 का कितना होता है, 4 का 4 4 6 24, ठीक है। तो 100 बार यहाँ से कितना हो जाएगा, 64 बार में कितना होता है, 8, प्लस माइनस 8 दोनों होगा, लेकिन हमको बोला कि पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्रॉब्लम को निकल गया, तो संख्या मेरा क्या था, 3x था, छोटा संख्या क्या है, 3x है, 30 i 24 है। जी क्वेश्चन बस इतना ही करना था आपको, बन जाएगा जिस तरह क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, जेई का सवाल है। क्या बता रहा है कि यदि 750 रुपया को एक्स वाई और जेड तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स माइनस 5 रेशियो वाई माइनस 10 रेशियो जेड माइनस 15 बराबर 5:4:3 है, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्या है क्वेश्चन, टोटल पैसा कितना है, 750 रुपया। तो एक्स माइनस 5 जो है, एक्स माइनस 5 रेशियो ये कितना है, वाई माइनस टेन, ठीक है, रेशियो ये कितना है, जेड माइनस 15। तो इसका रेशियो कितना है, 5:4:3 है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का हिस्सा हमको बता दीजिए, टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा आपका 750 रुपया, ठीक है। तो सिंपल सा क्या बनेगा इसको, एक्स माइनस 5 रेशियो वाई माइनस 10 रेशियो जेड माइनस 15 बराबर इतना है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं k मान लेते हैं, रेशियो तो क्या हो जाएगा, 5k 4k 10k 3k, ठीक है। x नहीं मारेंगे क्योंकि अभी x हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा जी, यहाँ से x बराबर ये आ जाएगा 5k + 5 आ जाएगा, अच्छा y बराबर कितना आ जाएगा, सब समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, 4k + 10 हो गया, और z बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k + 15 हो जाएगा, ठीक है। x y z का हमको निकल गया, अब तीनों का वैल्यू क्वेश्चन पे कितना दे रहा है, 750 रुपया, तो तीनों को जोड़िए, तो 5 4 9 3 12k + 10 5 15 15 15 30, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 750 रुपया, यही ना है। तो 12k बराबर कितना हो जाएगा जी, 0 5 3 2, ये हो जाएगा 720, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 12 6 72, के बराबर आ गया 60, अच्छा के का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। हमको क्या पूछ रहा है, अच्छा x y z का हमको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, k का वैल्यू निकल गया 60, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 5 300 और 300 आई हो जाएगा 5 हो जाएगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 240 और 10 250, ये कितना हो जाएगा, 180 और 15 कितना होता है, 195। तो कितना कितना आंसर आ रहा है, यह आज आपका 305 250 और 195, 305 250 और 195 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया कि एक्स माइनस 5 रेशियो वाई माइनस 10 रेशियो जेड माइनस 15 बराबर 5:4:3 है, तो यहाँ पर हम लोग के मान लिए, ठीक है, जो रेशियो तो क्या मान सकते हैं हम लोग, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5k + 5 y = 4k + 10 और z = 3k + 15, और तीनों के मिलाकर कितना क्वेश्चन में, 750 है, तो यहाँ से k का मान निकल गया, और k का मान निकलते हैं क्या निकल जाएंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, इतना ही करना था क्वेश्चन में, है एकदम मस्त। कोई डाउट है किसी भाई को, एकदम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। एक क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं
और 210 रुपया कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है तो जेड को मिली राशि कितनी है? अच्छा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, तो इसका काम का अनुपात कितना है? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का अनुपात कितना है? 4:6:5 तो पूछ रहा जेड को कितना पैसा मिलेगा, टोटल पैसा कितना है? 210 रुपया है, तो 5 का वैल्यू 210 है ना, इसका पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा? जेड को। तो जेड का वैल्यू कितना है जी? अच्छा, 6 × 4 = 10 = 5 = 15 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 210 रुपया है, तो एक का कितना आ जाएगा? 210/15, इसलिए जेड का वैल्यू, जेड का पूछ रहा है तो 5 का निकाल देंगे, यही ना होगा। अब यहाँ काटिए, 15 × 3 = 21, तो जेड को कितना पैसा मिल जाएगा? 70 रुपया मिल जाएगा, और क्या, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन है देखते हैं, कुछ ढंग का कुछ क्वेश्चन है। बोल रहा है NTPC का सवाल है, रितेश गौरव और जुगनू 2:5:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये से अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्त क्या है? रितेश गौरव और जुगनू कितना है? ये आपका रितेश, ये क्या है? गौरव, ये है जुगनू। इसका जो रेशियो दिया गया है क्या है? यह 2:5:5:7 है, 2:5:5:7, ठीक है। अच्छा, उसके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात इतना है, गौरव रितेश 150 रुपया अधिक कमाता है। अच्छा, तो यहाँ से ऐसे इसको रेशियो अगर मानेंगे तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये कितना जाएगा? 7x हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। और बता रहा है क्वेश्चन में कि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है। अच्छा, आय के बाद कितना अनुपात है? 5:3:2 है। अच्छा, तो ये हो जाएगा गौरव रितेश नहाय, दोनों का लेते हैं इसका, ठीक है। तो इस रितेश गौरव और जुगनू का कितना है? 2:5:7, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे? 2x 5x और 7x। अब बता रहा है कि उसके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात कितना है? 5:3:2 है, तो 5:3:2 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा रितेश का? ये होगा 2×5 कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। आई गौरव कितना हो जाएगा? 15x, मतलब 15x में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 150 रुपया हो जाएगा। तो 5x का वैल्यू 150 रुपया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अच्छा, तो पूछ रहा है कि जो इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल आय ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुल आय, तो कुल आय यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना? 5×10x, ये हो जाएगा 15x प्लस 7×14x, ये ना हो जाएगा टोटल। तो 15 और 10 25 25 से 14 कितना होता है? 39 हो जाएगा, 39x का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो x का वैल्यू 30 आ गया था, यहाँ कर देंगे 39×30, इतना ही करना था, कितना हो गया? 3,1170 रुपया इसको मिल जाएगा वापसी के बाद पैसा टोटल, ठीक है, यही हमको निकालना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, पहले इसको समझा देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अच्छा, यहाँ पर क्या है? रितेश है, क्या है ये? रितेश गौरव और जुगनू है, इसका रेशियो कितना है? 2:5:7। उसके निवेश की वापसी के बाद कुछ इन्वेस्ट किया पैसा, उसका रेशियो कितना हो गया? 5:3:2 है, ठीक है। तो पहले 2x था, अब निवेश कर दिया, इसका रेशियो कितना है? 5:3:2, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 5×10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है सवाल में कि रितेश का गौरव से जो 150 रुपये अधिक कमाता है, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5x का वैल्यू कितना है? 150, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आप बता रहा है कि टोटल आय, इसको बता दीजिए कुल आय कितना होगा। अच्छा, तो पहले मेरा इतना था, तो अब कितना हो गया? 2×5 = 10 हो गया, 15 × 15 = 7×14 = 14, तो टोटल का वैल्यू हमको बताना है, तो 39x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 39×30। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, हम लोग टाइप 2 हो गया एकदम फिनिश, रेशन प्रोपोर्शन टॉपिक का जो टाइप 2 का क्वेश्चन था सब हो गया, मस्त तरीके से सॉल्व करवा दिए। तो सोल्यूशन कैसा लग रहा है आपको? तो सोल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स से खुद बताइएगा, ठीक है। और वीडियो का थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिए यार, ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि हर एक बुक का हर एक टाइप वाइज सोल्यूशन करवा रहा है एकदम,
हर एक चैप्टर वाइज भी और मॉक टेस्ट वाइज दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।